हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है GD&T, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, राइट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द GD&T। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं कि GD&T मीन्स ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इज अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। थोड़ा बोरिंग लग रहा है, राइट। देखो, बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है और इस तरह की अगर आप ड्राइंग देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगेगा, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, राइट। तो इस तरह की ड्राइंग देखने के बाद आपका चेहरा कुछ इस तरह से हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो थोड़ा सा एक बार ड्राइंग को मैं और बताता हूँ आपको। देखो, इस ड्राइंग में आपको फिर आप जब आप इस ड्राइंग को देखोगे तो भाई इसके अंदर आपको कुछ सिम्बॉल्स नजर आएंगे कि भाई ये सिम्बॉल्स क्या है, ये फीचर फ्रेम क्या है बोल सकते हो आप, भाई इसके अंदर और क्या देखते हैं, इसके अंदर ये क्या है भाई, डेटम क्या है, राइट, या फिर इसके अंदर ये डायमेंशन किस बात के हैं, या फिर इसके अंदर ये सिंबल किस बात के हैं, राइट। तो इस तरह की ड्राइंग जब आप देखते हो ना तो घबराहट होती थोड़ी सी, राइट, आप डरने लग जाते हो कि भाई किससे पूछें इसके बारे में कि क्या चीज़ है, राइट। ठीक है, थोड़ा इजी तरीके से देखते हैं, अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज GD&T? देखो, GD&T मतलब होता है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, ठीक है। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो कि एक इंजीनियर द्वारा, डिजाइनर द्वारा या फिर एक मैन्युफैक्चरर द्वारा यूज की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन, ताकि उस जो भी प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो सके, अच्छी तरीके से हो सके, या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्री है, राइट। तो बेसिकली ये 2D ज्योमेट्री है हमारे पास, राइट। तो इसके कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे, तो मैं कुछ डायमेंशन प्रोवाइड कराता हूँ कि भाई 100 का डायमेंशन और 30 का यहाँ पर डायमेंशन है, राइट। अब इसके अंदर मुझे कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड कराना है। देखो, यहाँ पर मैंने टॉलरेंस प्रोवाइड करा दिया, राइट, तो प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये 2D ड्रॉइंग है, ये एक 3D सिलेंडर है जिसकी एक हाइट है और एक इसका क्या है, डायमीटर है। मतलब ये ज्योमेट्री 3D है हमारा, जिसको मैं 2D में शो कर रहा हूँ ऑन पेपर, राइट। तो यहाँ पर हमारे डायमेंशन कौन कौन से हुए भाई, 100 और 30 का हमारा डायमेंशन हुआ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो प्लस माइनस 0.1 हमारा टॉलरेंस हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री को हम लोग डायमेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं विथ इन अ टॉलरेंस, टॉलरेंस के अंदर, राइट, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ GD&T, ठीक है, GD&T का एप्लीकेशन समझते हैं। देखो, हमारे पास कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन है, इस तरह से आया हुआ है यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, भाई मतलब डिजाइन अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को करते हैं इंजीनियरिंग के पर्पज से, किसी इंडस्ट्री में करते हैं, तो राइट, तो हमको GD&T की आवश्यकता होती है, हमको उसको डायमेंशन प्रोवाइड कराना होता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी, क्वालिटी चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, उसके डायमेंशन चेक कर रहे हैं फॉर द फिटमेंट पर्पज, तो भी असेंबली करना है अगर किसी दो या तीन प्रोडक्ट की या फिर पार्ट की, तो भी, राइट। तो ये जो चार पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हो ना एज ए इंजीनियर, तो भाई आपको GD&T का नॉलेज होना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट देखते हैं, देखो, पार्ट डिजाइन हो, टूल का डिजाइन हो, असेंबली हो या मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग किसी भी तरह की हो, कभी भी विदाउट GD&T आप उसको नहीं प्रिपेयर कर सकते, बना नहीं सकते। अगर सिर्फ आप टॉलरेंस या फिर आप बोल सकते हो डायमेंशन अगर प्रोवाइड कराओगे ना, और अगर उसके अंदर टॉलरेंस नहीं होगा, उसके अंदर कुछ फिटमेंट नहीं होंगे या फिर उसके अंदर GD&T के कुछ सिम्बॉल्स नहीं होंगे, तो वो जो ड्राइंग रहेगी वो अधूरी रहेगी, राइट। तो यहाँ पर GD&T किसी भी तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग की जाती है। इवन GD&T खुद बोलता है कि भाई मुझे इस्तेमाल करो, यूज मी, राइट। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम है, राइट। देखो, आगे बढ़ते थोड़ा सा और एप्लीकेशन ऑफ GD&T में एक एक करके समझते हैं कि भाई क्या क्या यूज है। देखो, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में किसी भी तरह की ड्राइंग हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप गियर बना रहे हो या फिर आप किसी तरह की बियरिंग को क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी तरह के पार्ट को बना रहे हो, राइट, तो उसके अंदर आपको GD&T की आवश्यकता पड़ेगी उसकी ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी टाइप ऑफ 2D ड्राइंग, राइट। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी कंपोनेंट को VMC पे काट रहे हो, राइट, या आप बोल सकते हो कि भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, है ना, डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कितने टॉलरेंस में करोगे, ठीक है, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो फॉर द प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट विद इन अ डिजायर्ड डायमेंशन एंड द टॉलरेंस, राइट। उसके बाद है क्वालिटी एंड द कंट्रोल इंस्पेक्शन। जब आपका प्रोडक्ट पूरा बनके तैयार हो जाता है ना, तो आपको उसको क्वालिटी चेक करना होता है लाइक अ वर्नियर, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोडक्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए, राइट, उसके डायमेंशन को चेक करने के लिए, और भी कुछ वर्नियर के अलावा भी है, माइक्रोमीटर है जैसे एग्जांपल के लिए, हाइट गेज है, राइट, और कई इस तरह के कुछ बोल सकते हो कि
कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द क्वालिटी चेक, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए, राइट. तो फॉर द चेकिंग क्वालिटी एंड द डायमेंशन फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई उस प्रोडक्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, उस चीज को इंश्योर करने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए GD&T ड्राइंग की जरूरत होती है, ताकि हम उसके डायमेंशन को, टॉलरेंस को, है ना, जो भी उसके अंदर चीजें रिक्वायर्ड चीजें उसको देख सकें, राइट. असेंबली एंड द अलाइनमेंट, असेंबली मतलब कोई भी दो या तीन या चार पार्ट से कोई मिलकर असेंबली बनी है, राइट. जैसे एग्जांपल के लिए असेंबली ऑफ पार्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है, जो कि कुछ नाश्ता हुआ भी नजर आ रहा है, राइट. ठीक है, तो फिटमेंट ऑफ द कंपोनेंट फॉर द असेंबली पर्पस, कि उसका फिटमेंट सही है कि नहीं, मतलब वो क्लियरेंस फिट है कि नहीं, या प्रेस फिट है कि नहीं, या फिर जिस तरह का भी आप फिटमेंट उसके अंदर देना चाहते हो वो सही है कि नहीं, तो असेंबली एंड द अलाइनमेंट के लिए भी आपको GD&T की जरूरत पड़ेगी, राइट. ठीक है, GD&T इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग. एग्जाम्पल के लिए लाइक दिस, बहुत बड़ा कुछ पिक्चर है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन एक एक चीज करके समझते हैं हम लोग. जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई कैड डिजाइनर हो ना, तो GD&T का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैड डिजाइनर हो तो आप किसी 2D ड्राइंग को बनाओगे, किसी 3D मॉडल को बनाओगे, तो आपको ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग के एस्पेक्ट में आपको GD&T के बारे में पता होना चाहिए. मोल्ड डिजाइनर अगर आप हो, मोल्ड का डिजाइन करते हो, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, किसी कस्टमर ने दिया, तो उसके लिए मोल्ड डिजाइन करोगे, इसका मतलब वहां पर भी फिटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है. तो फॉर द फिटमेंट पर्पस और ड्राइंग के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको GD&T की जरूरत पड़ेगी. शीट मेटल टाई डिजाइनर हो तो उसमें भी जरूरत पड़ने वाली है. R&D, अगर आप कोई आयरन मैन का सूट बना रहे हो, राइट, तो भी आपको R&D में, अगर उसका R&D करोगे तो भी आपको ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब आपको GD&T की जरूरत पड़ेगी, राइट. इसी तरह से VMC प्रोग्रामर हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर VMC से या CNC से या फिर किसी भी तरह की मशीनिंग से उसको बनाते हो, या लैथ से या EDM से, तो भी आपको ड्राइंग की तो जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको GD&T का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वी विल लर्न इन दिस कोर्स. तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ देखने वाले हैं, राइट. एग्जाम्पल के लिए, ओके, लाइक दिस, सिंबल एंड नोटेशन हम लोग देखने वाले हैं, कंट्रोल फीचर फ्रेम, ठीक है, डेटम एंड द डेटम सिस्टम, राइट, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द टॉलरेंस, ठीक है, मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर को देखेंगे हम लोग, फिट्स एंड इट्स टाइप्स, GD&T इन डिजाइन एंड द इंजीनियरिंग, GD&T इन द मैन्युफैक्चरिंग. देखो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा घबराहट सी हुई होगी, बहुत बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, लेकिन हम लोग एक एक चीज करके जब समझेंगे ना, चीजें देखेंगे, तो आपको आसान लगेगा, राइट. इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, वी विल कवर कंप्लीट GD&T विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट. ठीक है, तो अगर आपको अगर ये चीज सीखना है तो आगे के वीडियोस देखिएगा, ओके. चलिए, यहां पर हमारे पास एक ड्राइंग है, ठीक है, इस ड्राइंग में GD&T का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इस ड्राइंग को. थोड़ा सा मैं जूम करता हूं यहां पर, तो यहां पर इसका एक व्यू दिया हुआ है, लाइक दिस, राइट. तो इसका मैंने यहां पर क्या काटा है, यहां पर मैंने सेक्शन काटा है, VV सेक्शन है, यहां पर मैंने WW सेक्शन काटा है, और यहां पर मैंने कुछ डायमेंशन दिए हैं, ठीक है. थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से, वन मिनट, ठीक है, इसका सेक्शन व्यू देखते हैं, ये वाला सेक्शन व्यू देखेंगे भाई, ठीक है. तो यहां पर इस सेक्शन व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ डायमेंशन नजर आ रहे हैं, मतलब कुछ टॉलरेंस नजर आ रहे हैं, मतलब ये फिटमेंट पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब यहां पर आपको कुछ कंट्रोल फीचर फ्रेम नजर आ रही है, राइट. तो कंट्रोल फीचर फ्रेम में यहां पर एक कुछ सिंबल है जिसको कॉन्सेंट्रिसिटी बोलते हैं. तो यहां पर इसका क्या है, टॉलरेंस जोन है, ये डेटम ए है और डेटम बी है. तो यहां पर हमको सर्च करना पड़ेगा, वेयर इज द डेटम ए एंड वेयर इज द डेटम बी. सी, दिस इज द डेटम ए और यहां पर ये रहा डेटम बी. इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रिक, जो मैं डायमेंशन दे रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रिक फेस है, मतलब इसका फेस जो है वो कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक सेंटर में रहेगा विद द डेटम ए एंड विद द डेटम बी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमको, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि भाई ये चीज क्या है, राइट. अब देखो यहां पर है ना, ये कुछ कंट्रोल डायमेंशन है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कंट्रोल डायमेंशन है यहां पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, राइट. एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं भाई, यहां पर इस वाले ड्राइंग को समझते हैं थोड़ा सा, इस ड्राइंग में क्या है चीज. देखो यहां पर मैंने स्टार स्टार करके यहां पर दो एक डायमेंशन में मैंने कुछ प्रोवाइड कराया है. इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो डायमेंशन आपको नजर आ रहा है ना, ये क्रिटिकल डायमेंशन है. तो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये डायमेंशन जो है वो क्रिटिकल डायमेंशन है, राइट. ठीक है, चलो. तो यहां पर कुछ इस तरह से मैंने कुछ एक सिंबल दिया है, अगेन ये है फ्लैटनेस का सिंबल, है ना. 0.10 इज द टॉलरेंस जोन, है ना, ये इसका टॉलरेंस जोन है. ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कुछ इसकी ड्राइंग प्रोवाइड कराई है ताकि आपको इसकी ड्राइंग समझ में आए. और ये जो इस कंपोनेंट का एक 3D व्यू है, C
सी दिस इज द 3D व्यू ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, नीचे देखते हैं भाई, यहां पर आपको कुछ बताना पड़ेगा इस कंपोनेंट के बारे में, कि इस कंपोनेंट के बारे में कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मटेरियल क्या है भाई, फॉर्म मटेरियल है, वेट जो है वो 16.20 ग्राम है, राइट, और अप्रूव बाय या फिर जिसने बनाया है उसके बारे में यहाँ पर आपको नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द ड्रॉइंग, एक ड्रॉइंग है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने GD&T का इस्तेमाल किया है। इस तरह की ड्रॉइंग को और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, कोर्स के दौरान, ठीक है, ताकि आप GD&T के बारे में एक एक चीज समझ सको, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।